एकदम खुले जगह में, बड़ी बड़ी सी खुली जगह है, उसके बीच में एक स्विमिंग पूल टाइप का बना है, जलकुंड, जलाशय जिसे कहेंगे, उस तरह का बना है। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। सोचो तुम उस समय स्टेयर्स थे। हम लोग आज सोचते हैं ना कि सोचो कैसे बनाए होंगे, कैसे बनाते हैं, कभी किसी ढांचे को देखते हो तो उसमें ये लगता है ना कि हाँ ये कैसे बनते थे। तो ये हम लोगों के आज की उपज नहीं आएगी, उस समय की जो हम लोग को एक्सिबिशन में मिली है और उसकी वो भी दिशा भी मिली है, जिसमें सीढ़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, मतलब पहली चेयर आप चढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। हम यहाँ पे जो है, जो हम लोगों का ग्रेट बात मिला है, वो उसकी जो फर्श बनी है, ठीक है, वो पक्की ईंटों की है। मतलब आज भी जो बनता है वो भी पक्की ईंटों का ही बनता है, तो इसकी फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई है। अच्छा, दीवार पे जैसे अभी आज के उसमें तुम जुड़ाई देखते हो सीमेंट लगा लगा के, उसी तरह से दीवार की जुड़ाई भी की गई थी, जिसमें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला कि इसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया है ज्यादा से ज्यादा। और जो हमारा ग्रेट बात वो था, उसमें वो साउथ में ड्रेनेज सिस्टम भी बना था। आज पता नहीं क्या गला फंस रहा है। ड्रेनेज सिस्टम भी बना था। अब यहाँ पे हमें कमरे भी मिले हैं, मतलब हम लोग नहाने के बाद यहाँ पे कपड़े बदलते रहे होंगे, और कमरे के पीछे कुछ गैलरीज भी मिली हैं। विद्वानों का यही मानना है कि ये हमारे मतलब कपड़े बदलने के स्थान रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कमरे मिले हैं उसके ऊपर जाने की सीढ़ियां भी मिली हैं। तो इससे ये मतलब से दुआ की दूसरी मंजिल पे भी कुछ रहा होगा जो हमें मिला नहीं है, लेकिन ऊपर जाने की सीढ़ियां मिली हैं। तो इससे मैं अनुमान हुआ कि मतलब ये इसके जो है दूसरी मंजिल पे भी कुछ रहा होगा। इसको एक मतलब क्या कहेंगे, वंडरफुल संरचना मानी गई। अच्छा, इसके पहले मैं पढ़ाने में ये भी बताई थी कि इन लोगों को अनाज जो स्टोर करते थे अन्नागार में, वो भी हमें यहाँ से फाइंडिंग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अन्नागार में भी इनको जो है 27 सेक्शंस बने थे, जो कहेंगे अलग 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 अन्न रखने के, और ये भी हवादार थे बिल्कुल, और इसमें जो है अनाज भरने की सुविधा बहुत अच्छी बनाई गई थी। तो ऐसा विद्वानों का विचार है कि ये एक राजकीय मतलब वो होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो होता होगा, मतलब चलाया जाता होगा, और जनता से यहाँ पे अनाज रखने के लिए कर वसूला जाता होगा। इस प्रकार के ही अभी इस लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि इसी तरह का सेम हमें मेसोपोटामिया और मिश्र में भी मिला है। ठीक है, हमें पुरोहितों के मतलब पुरोहितों के रहने की जगह, पुरोहितों के जगह रहने का आवास भी मिला है। यहाँ पे हमें सभा भवन भी मिला है, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे सभाएं होती होंगी। एक सभा भवन भी मिला है। हम अभी मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चनूदड़ो, तुतका गेंडोर, ये मैंने सब दे दिया है, इसमें इधर फाइंडिंग दे दिया है कौन सी रिवर के किनारे हैं, क्योंकि ये लंबा है इसलिए यहाँ पे हम लोग उलझेंगे नहीं। लोथल में क्या किसने किया था, तुम लोग ये सब याद कर लेना। आर राव ने किया था, 1953 में किया था, गुजरात के भागोवा नदी के किनारे था। ठीक है, यहाँ एक चीज जरूर याद करना, जहां गुजरात का नाम आएगा वहां पे लोथल का नाम आएगा, और लोथल के नाम में तुम लोग ये जरूर याद रखना कि बस ये याद रखोगे ना कि यहाँ पे सी है, तो ये याद रहेगा कि हमें जो है यहाँ पे क्या नाम है, पहला वो मिला था फोर्ट। ठीक है, ऐसे ही बानावली है, धौलावीरा है,
ऐसे इम्पोर्टेंट साइट्स तो बहुत मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी उसमें मैंने जो है इसको मेंशन कर दिया है सर। अब हम लोग इसके टाउन की उस मैम मैम हेलो हाँ 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 और आपको स्लाइड में कि मोस्टल में हमें मैम वो फायर ऑर्डर्स है तो मैम ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट तो मैम वैदिक कल्चर है वैदिक एज में है। देखो यहाँ यहाँ भी जो है ना हमें मिल रहा है, लेकिन वही चीज है कि यहाँ पे हमको कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखो हमें एग्जैक्टली जो कहेंगे वो वैदिक एज में आया था, तुम सही कह रही हो, लेकिन यहाँ भी हमको उसकी फाइंडिंग मिल रही है। कुछ लोग अभी मैं बताई ना हर जगह यही चीज है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये था, कुछ लोग कह रहे हैं ये नहीं था। अभी आगे मैं बताऊंगी इसको तो एग्जैक्टली जो कहेंगे वो फाइंडिंग वहां पे तो एक विकसित अवस्था में जो कहेंगे वो चीजें हुई, बट हमको इसकी फाइंडिंग यहाँ कहीं भी दिखाई देती हुई मिलती है। ठीक है ओके मैम थैंक यू। ये हम कल बता चुके थे कि ये बहुत ही प्लांट वे में बना था और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई थी। इनके जो है ये कल मैं पूरा बता चुकी थी इस स्लाइड के बारे में। हम लोग यहाँ पे अब इनके स्लाइड में मैंने नहीं दिया है, चलो इन लोग का सोशल स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था वो मतलब बहुत ये लोग बहुत ही जो हम लोग जैसे कहते हैं आरामदायक जीवन इनका सुखी जैसे कहेंगे और सुविधापूर्ण था। इनके सोशल स्ट्रक्चर का जो मेन वो था पिलर था वो परिवार था, फैमिली थी। हमें यहाँ के एक्सिबिशन में ज्यादातर जो है नारी मूर्तियां मिली हैं, ठीक है वुमेन स्टैचू मिले हैं, जिससे हमें ये लगता है कि यहाँ मातृ प्रधान मातृ सत्तात्मक जो है परिवार रहा होगा। और मोहनजोदड़ो के एक्सिबिशन में समाज में विभिन्न वर्गों के बारे में अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, मतलब उसके हिसाब से यहाँ पे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्टों ने खोजा चार वर्गों में बांटा, वही जो हम लोग पीछे मेसोपोटामिया और उसमें देखते आ रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी है। इनका जो है विद्वान वर्ग अलग था, इन लोगों के योद्धा अलग थे, व्यापारी अलग थे और शिल्पकार और श्रमिक एक वर्ग में आते थे। और कुछ विद्वान वर्ग में जो है इन लोग ज्यादातर पुजारी वैद्य ज्योतिषी जादूगर इन लोगों को रखते थे। समाज में हमें जो फाइंडिंग मिली है कुछ मूर्तियों में जिसमें योगी और पुरोहित मतलब कुछ विद्वानों ने कहा योगी की मूर्ति है, कुछ विद्वानों ने कहा कि पुरोहित की मूर्ति है, तो इससे भी हमें ये लगता है कि यहाँ पे पुरोहितों को भी सम्मानित स्थान था। अब हड़प्पा की जो छोटी बस्तियां थी मतलब श्रमिक वर्ग की बस्तियां उसमें भी उसमें जो है दास प्रथा का जो है हमें प्रचलन मिलता है, दास प्रथा का प्रचलन मिलता है। और ये अनुमान लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब हड़प्पा में दो वर्ग थे, उच्च वर्ग भी थे और दास वर्ग भी थे। ठीक है हड़प्पा की खुदाई में जो है हमें विशाल भवन भी मिले हैं और छोटे छोटे भवन भी मिले हैं। अच्छा ये देखो इम्पोर्टेंट चीज कि दोनों आस पास ही मिले हैं, तो यहाँ पे इस जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यहाँ पे धनी और निर्धन मतलब अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहा होगा, क्योंकि जैसे बड़े भवन बने हैं जहाँ उसके ठीक बगल में छोटे छोटे भवन भी बने हैं, तो उससे लोगों ने अपनी जो फाइंडिंग की वो ये की कि यहाँ पे अमीर गरीब का कोई बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं रहा होगा, सभी लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते होंगे। अब
यहाँ पे हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों मिले हैं। वेजिटेरियन में गेहूं, जौ, तिल, दाल, ये इनके जो है प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। और नॉन वेजिटेरियन में ये लोग भेड़, बकरी, मुर्गा, बत्तख और इस तरह के जानवर, मछलियां, हाँ इसके बाद मछलियां भी मिली हैं। अभी मैं बताऊंगी कि मछली फंसाने के कांटे भी मिले हैं कहीं से। तो अच्छा, और इसके साथ ही साथ इनको ना यहाँ से जली हुई अजली हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अब इनके पहनावे पे आते हैं हम लोग। ये लोग वूलन एंड कॉटन दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे, ठीक है। इनके यहाँ एक्सिबिशन करने में हमें सुई, सुई समझ रहे हो ना, जिसके हम सिलते हैं, yes. हाँ सुई, सुई भी मिली है। तो जिससे ये पता चलता है कि इनके वस्त्र सिले रहते होंगे, इनके कपड़े सिले रहते होंगे। अच्छा, इसके साथ हमें अभी हम सोशल स्ट्रक्चर पे ही चल रही है, सब कुछ सोशल स्ट्रक्चर में आ रहा है। ज्यादातर जो हमें कल्चर्स फीमेल के मिले हैं उसमें हेयर डू बना हुआ महिलाओं का जूड़ा बना हुआ मिला है, जिसमें हम लोग फिर ये मानते हैं कि ज्यादातर महिलाएं वहां की जूड़ा बांधती रही होंगी। और मेल के लंबे लंबे बाल मिले हैं और दाढ़ी मूछें भी मिली हैं, ठीक है। अब ये लोग बहुत ज्वेलरी के बहुत शौकीन थे। ज्वेलरी में ये लोग जो है गले का हार पहनते थे, कानों में जो पहनते थे उसे कर्णफूल बोलते थे, ठीक है। हाथ में ये लोग पहनते थे उसको हसुली बोलते थे, कड़ा पहनते थे, अंगूठी पहनते थे, कमर में पहनने वाली करदनी पहनते थे। ये सारी चीजें हमें एक्सिबिशन में मिली हुई हैं। अब हड़प्पा से ही हमें सोने का, सोने के बीड्स के जो है मनके, सोने के बीड्स का हार मिला है, मतलब सोने के मनकों वाला हार मिला है। और अभी आजकल जो लोग हैं वो देख रहे होंगे फैशन में है लरियों वाला हार, वो हमारे उस समय भी था। मतलब ये 6 स्टेप में बना हुआ है, 6 लरी वाला हार था वो। आजकल भी मैं देख रही हूँ कि वो अभी रिसेंट फैशन में है ये, और ये उस समय भी उस समय बना था। अब यहाँ पे छोटे छोटे उसकी पत्थरों के भी हार वगैरह बने हुए मिले हैं सोने के साथ, ठीक है। हड़प्पा से ही हमें सोने का बना हुआ एक कड़ा मिला है, कंगन मिला है, और वो ब्रॉन्ज की चूड़ियां भी मिली हैं यहाँ पे, चांदी की ब्रॉन्ज की चूड़ियां भी मिली हैं, और मिट्टी की और तांबे की यहाँ पे अंगूठियां भी मिली हैं। ये हम लोग के पहनावा खत्म, मतलब वुलन और कॉटन दोनों क्लास जानते थे और ये इनके पूरे ऑर्नमेंट वो थे, ठीक है, ज्वेलरी थी, ऑर्नामेंट थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा फैशन था कि श्रृंगार के हमें बहुत सामान मिले हैं। फैशन के श्रृंगार के साधन बहुत ज्यादा मिले हैं, जिसमें हमें मोहनजोदड़ो से काजल की डिब्बी मिली है, पाउडर मिले हैं, ठीक है। ये सब जो है फाइंडिंग के बाद पता चला कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब श्रृंगार के प्रति आकर्षित रहते थे। और चनु दड़ो एक जगह है, ये कई बार मैंने देखा है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार मैंने देखा है कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है, टीसीएस में, आईएएस में, कि किस जगह से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले। तो वो जगह है चनुदड़ो, मतलब ये लिपस्टिक का यहाँ से फाइंडिंग हुआ है कि लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। हाँ बेटा, चूड़ियां कालीबंगा, कालीबंगा, हाँ। अब बाद में तो मिली गई, लेकिन हम पहली फाइंडिंग करते हैं ना, बाद में और जगह से मिली, लेकिन हम यहाँ पे दिखाते हैं इसे पहला साक्ष्य जिसे कहेंगे, पहली फाइंडिंग वो कालीबंगा की, ठीक है।
फिर वो हो जाता है थोड़ा बीच में बोलने पे। हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ से हमें जो है शीशे और कंघी दोनों मिले हैं। मतलब कॉम भी जो है लोग करते थे, इसका भी साक्ष्य मिल गया है कि ऐसे ही नहीं थे। मतलब हमारे ट्राइबल्स की तरह नहीं थे कि कुछ भी वो कर लेते थे। इन लोगों को शीशे भी मिले हैं और कंघी भी मिली है यहाँ से। और अभी जो बनता है शीशा, वो जैसे किसी किसी की फ्रेमिंग में होता है ना, जैसे मान लो कि प्लास्टिक की फ्रेमिंग में या वुड की फ्रेमिंग में, उस समय हमें जो मिला है वो तांबे की फ्रेमिंग में मिला है। ठीक है, अब क्या नाम है, काजल लगाने के लिए वो जैसे पेंसिल टाइप का भी मिला है, जिसमें काजल लगा हुआ इन लोगों को मिला है। तो इन लोगों का ये मानना था कि ये काजल लगाने की शलाकाएं रही होंगी, ये भी श्रृंगार के ही सामानों में थी। ठीक, अब बहुमूल्य ये इन लोगों की ज्वेलरी जो थी वो बहुमूल्य पत्थरों से भी बनती थी, हाथी दांत से भी बनती थी और हड्डियों से भी बनती थी। और शंख जानते हो ना तुम लोग? शंख से भी बनती थी। यहाँ के एक्सिबिशन में हमें घड़े मिले हैं, थालियां मिली हैं, कटोरे मिले हैं, ग्लास मिला है और स्पून भी मिला है, चम्मच भी मिला है। तो इतने सारे बर्तनों के भी हमें प्रमाण मिले हैं। हमें यहाँ पे कुर्सी भी मिली है, स्टूल भी मिला है, चटाई, समझ रहे हो ना, चटाई जो जमीन पे बिछाई जाती है, चटाई भी मिली है। नौ शारो एक जगह है और मेहड़गढ़, यहाँ पे मिट्टी की जो है कुछ नारी की मूर्तियों की मांग में लाल रंग के सिंदूर पाए गए हैं। तो यहीं पे हमें पता चल जाता है कि ये सिंदूर का प्रचलन जो है ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। ठीक है, अब जैसे वही मैं बता रही थी, अभी किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि अब पहला ही ये पूछेगा, ये मिला कई जगह से है लेकिन अब पहला पूछेगा, तो पहले की ही डिफाइन होती है कि नौशेरो और मेहड़गढ़ से मिला सिंदूर गढ़ने का प्रचलन। अभी हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि ये मतलब बहुत ज्यादा खेल कूद के भी शौकीन थे। हमें यहाँ पे पासिया, पासा मीन्स जैसे मान लो कि इस समय हम लोग का शतरंज होता है, उस तरह का इन लोगों का जो गेम था वो इनका प्रमुख गेम था पासा। ठीक है, ये हड़प्पा से जो मिला है वो मिट्टी का भी मिला है, पत्थर का भी मिला है, दोनों तरह का मिला है। मोहनजोदड़ो में भी सेम, कि यहाँ से जो है मिट्टी का भी मिला है और पत्थर का भी मिला है। और जो उन लोगों की पासे की जो गुटियां होती थी वो हमारी शतरंज, आज की जो शतरंज की गुटियां हैं उससे काफी मिलती जुलती हैं। तो सेम इसी तरह का ये गेम रहा होगा, लड़का संभालना है। ठीक है, अब हमें जमीन पे बने हुए बोर्ड भी मिले हैं, जो एक जगह मिट्टी के बने हुए मिले हैं और एक जगह ईंटों से बने हुए मिले हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पे गुजरात के ही पास एक कुरन नाम का, वहां पे स्टेडियम का भी हमें फाइंडिंग मिला, स्टेडियम भी मिला है। यहाँ पे ये लोग आउटडोर गेम या अपनी बड़ी बड़ी बैठकें, जैसे बैठकें करते होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रम करते रहे होंगे, ऐसा मिला है। तो ये हमको याद रखना है कि कुरन में हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, इसको इतना बढ़िया बनाया गया था इस स्टेडियम को कि इसमें दो प्रवेश द्वार है, एक जो है एक से आप एंट्री कीजिए और दूसरे से आप एग्जिट कीजिए। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी जो हमारी